जय हिंद एवरीवन। जैसा आप हमारे YouTube चैनल देखें, बिल्कुल ही आप सही देखें और ये वीडियो पे भी वही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इस जगह पे जो आपका शो किया जा रहा है आर्मी एसी साउथ ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2021 लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर 400 ग्रुप सी पोस्ट, मतलब कि आर्मी एसी साउथ और नॉर्थ के लिए ये यहाँ पे ऑफलाइन वैकेंसी है। टोटल आपका 400 वैकेंसी है, ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट है। तो इस वैकेंसी में ग्रुप सी की जो वैकेंसी आई है जो ऑफलाइन है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप योग होंगे तो आप आसानी से आवेदन दे सकते हैं। आप जाना चाहते हैं आर्मी में तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, लास्ट तक वॉचिंग करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख पा रहे हैं एसी सेंटर साउथ नॉर्थ टू एटीसी वैकेंसी डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी डिटेल शो किया जा रहा है, मतलब कौन सी पोस्ट में कितनी टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे पोस्ट नेम शो किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट शो किया जा रहा है। जो एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए यहाँ पे सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए यहाँ पे 115 सीट है। नेक्स्ट यहाँ पे कुक में आपका 15 सीट है, क्लियर में आपका 67 यानी 67 सीट है। सिविलियन कैटेगरी इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे टोटल 3 सीट है। ये आपका एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है, मतलब इसके लिए आपका इस जगह के लिए वैकेंसी है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एएससी सेंटर साउथ के लिए, यहाँ पे एएससी साउथ के लिए यहाँ पे जो सेंटर के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे लेबर के लिए 193 पोस्ट है और एमटीएस सफाई वाला के लिए केवल 7 है। इसी तरह आपका टोटल 400 वैकेंसी है, मतलब कि एएससी साउथ और नॉर्थ को मिलाकर यहाँ पे टोटल आपका 400 वैकेंसी है। अब यहाँ पे ट्रेड वाई के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो किया जा रहा है, जो यूनिट यहाँ पे यूनिट शो किया जा रहा है। यूनिट मतलब आपका एएससी साउथ और नॉर्थ आपका है। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट, जो सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट में यहाँ पे सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए जो आपका वैकेंसी है 115 जो इसमें टोटल सीट है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए मैट्रिक होना चाहिए, और मैट्रिक के साथ साथ आपका होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बोथ हैवी और लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपका हेवी और लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, यह आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म में होना चाहिए। मतलब ये आपको 4 चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा तभी आप इस पोस्ट के लिए सिविलियन मोटर ड्राइवर में आसानी से आवेदन दे सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं इस जगह पे आपका क्लीनर का पोस्ट है, क्लीनर में आपका 67 यहाँ पे टोटल सीट है। क्लीनर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बस आपके पास 10वीं होना चाहिए, मैट्रिक पास कर चुके हैं, इस फॉर्म को आसानी से आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आपका क्लीनर में भी मतलब साफ सुथरा में आपको कुशलता होना ज़रूरी है, उसमें आपका आइडिया होना चाहिए कितना फास्ट से साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कुक, कुक में यहाँ पे टोटल 15 सीट है, इसमें आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक के साथ साथ आपका होना चाहिए नॉलेज भी आपका होना चाहिए इसमें इंडियन कुकिंग में, और साथ ही साथ इसमें आपका कुशलता आपके पास होना चाहिए। कुशलता और एक्सपीरियंस में आपका बहुत ही डिफरेंस होता है। कुशलता कहने का मतलब है उसमें आप कारीगर हैं, मतलब उसको उस काम को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसमें आपका अच्छा नॉलेज है, उसे कुशलता बोलेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस होता है कि आपके पास 3 साल का काम, 4 साल का, उसे हम लोग एक्सपीरियंस अनुभव कह सकते हैं, मतलब कि थोड़ा आपका डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं कुशलता और अनुभव में। और इतना ही नहीं, आपका 10वीं के साथ साथ आपके पास ये होने के बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कुकिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सिविलियन कैटेगरी इंस्ट्रक्टर, इसमें आपका 3 जो सीट है इसमें आपका मैट्रिक होना चाहिए, और मैट्रिक के साथ साथ यहाँ पे और भी शो किया जा रहा है डिप्लोमा, और डिप्लोमा या आपका डिप्लोमा या तो डिप्लोमा होना चाहिए मैट्रिक के साथ साथ, या आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट इन कैटेगरी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये होना चाहिए। उसके बाद आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एएससी सेंटर साउथ के लिए, वो आपका एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए, वो सबसे पहले वो सब मैं आपको बता दिया। एएससी सेंटर साउथ के लिए यहाँ पे लेबर की यहाँ पे पोस्ट है, इसमें 193 यहाँ पे टोटल सीट है, इसमें आपके पास 10वीं होना चाहिए, 10वीं के साथ साथ आपका वही चीज़ होना चाहिए, इसमें आपको कुशलता आपका आइडिया होना चाहिए वो काम करने का। एमटीएस सफाई वाला में यहाँ पे 7 टोटल सीट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे एज लिमिट, तो एज लिमिट आपका जो होना चाहिए सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए, इसमें आपका 18 से 27 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। लेकिन यही फॉर सिविलियन कैटेगरी इंस्ट्रक्टर क्लीनर
कुक, ट्रेड्समैन, लेबर और एमटीए सफाई वाला, यानी इसके लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। बाकी यहाँ पे अप्लाई स्टार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका 28 अगस्त से आप आसानी से इस फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसका आवेदन करने की अंतिम तारीख है 17/9/2021 तक। ये आपको अप्लाई करना है, वो आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। इसमें आवेदन शुल्क किसी भी कास्ट के लिए आवेदन भुगतान नहीं करना है, बिल्कुल ही जीरो यहाँ पे शो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो होगा रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। जैसे जो चीज़ में आपका स्किल की ज़रूरी है उस चीज़ में आपका स्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, और जिसमें आपका फिजिकल की आवश्यकता होगी उसमें आपका फिजिकल होगा या प्रैक्टिकल होगा या टाइपिंग होगा। मतलब एक तो आपका रिटेन टेस्ट से सभी ट्रेड में आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद जो ट्रेड में आप आवेदन किए हैं उसके हिसाब से आपको या तो स्किल हो सकता है या फिजिकल हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है या टाइपिंग हो सकता है, जो ट्रेड में आप आवेदन दिए उसके हिसाब से। लेकिन आपको रिटेन देना ज़रूरी होगा, और जो ट्रेड में आप आवेदन किए वो आपको ट्रेड से भी गुजरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम पैटर्न यहाँ पे शो किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 4 सब्जेक्ट से आपकी इसमें सवाल पूछा जाएगा। जो पहला सब्जेक्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से इसमें 25 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा इसमें आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा, और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे वो एक अंक के हो जाएंगे, इसलिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसी तरह जनरल अवेयरनेस में भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स हो जाएंगे। जनरल इंग्लिश में भी आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स हो जाएगा। इसे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसीलिए ये सभी क्वेश्चन को ऐड करने के बाद आपका 150 टोटल क्वेश्चन हो जाता है और 150 मार्क्स का हो जाएगा। और ये आपका 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आपको इसमें 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। इस जगह पे हालांकि शो भी किया जा रहा है एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे सबसे पहले देख पा रहे हैं इस जगह पे ऑफलाइन फॉर्म, यानी ऑफलाइन जब आपको फॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म होना चाहिए ऑफलाइन। उसके बाद आप अपना पूरा डिटेल भर सकते हैं, उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। लेकिन आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे निकालना है, तो इस पर आपको क्लिक हेयर करके इस लिंक पे आपको ऑफलाइन की जो इस पे आप क्लिक हेयर करेंगे तो आपको फॉर्म को प्रिंट निकालना है। प्रिंट करने के बाद आपको पूरा फॉर्म को फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एड्रेस पे भेज देना है। उसके बाद यहाँ पे देख पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी डायरेक्ट इस पे क्लिक करके जा सकते हैं, पूरी डिटेल समझ सकते हैं। जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताया वो आपका इसका जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताया इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।